देश में एनसीईआरटी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा की शुरुआत हो चुकी है। त्रिपुरा से शुरू हुए निष्ठा कार्यक्रम को हिमाचल में भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 354 अध्यापकों को स्टेट रिसोर्स ग्रुप के रूप में तैयार किया जाएगा। प्रथम चरण में निष्ठा के तहत बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, शिमला, लाहौल, किन्नौर और सोलन जिलों के 140 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दो चरणों में होगा। दूसरे चरण में बाकी बचे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिमला में हुई इस ट्रेनिंग के बारे में प्रोफेसर सेनापति डायरेक्टर एनसीईआरटी ने बताया कि इन शिक्षकों को स्टेट रिसोर्स ग्रुप के रूप में तैयार किया जाएगा। ये आगे 41,000 प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। अभी किन्नौर, शिमला, सोलन और सिरमौर के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। ये जो निष्ठा का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ये पूरा सारा देश में चल रहा है। हम देश में हमारा टोटल 42 लाख एलिमेंटरी स्कूल टीचर्स हैं। ये सब लोग को हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्योंकि हम 2017 में लर्निंग आउटकम डिफाइन किया। हमारा जो आरटी एक्ट में लर्निंग आउटकम का मेंशन था, इसका बट लर्निंग आउटकम डिफाइन नहीं हुआ था। लर्निंग आउटकम हम डिफाइन किया। लर्निंग आउटकम जो डिफाइन किया, हमारा फोकस जो था पहले कंटेंट मास्टरी, जो कंटेंट को प्रॉपर मास्टरी लाएंगे, इससे हम थोड़ा ये करके कॉम्पिटेंसी में कैसे मास्टरी आएगा, ये हमारा पर्पस था। कॉम्पिटेंसी मतलब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे का डेवलप हो जाएगा तो जो प्रॉब्लम आएगा वो फेस कर पाएंगे। उनका जो क्रिएटिविटी डेवलप होगा, क्योंकि वो कुछ खुद कर पाएंगे, खुद इन्वेंट कर पाएंगे, खुद कुछ क्रिएट कर पाएंगे ये, और इसका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगा। इसीलिए हम क्या किया, लर्निंग आउटकम जो डिफाइन किया, कंटेंट पहले क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे, सब्जेक्ट में कितना नंबर आएगा वो हमारा फोकस था। लेकिन हम क्या है, नंबर तो रहे आएगा, लेकिन इसका साथ वो क्या कर पाएंगे, वो उनका जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है वो कैसे फेस कर पाएंगे और कैसे कुछ नया कुछ इनोवेट कर पाएंगे। क्योंकि इतना बड़ा देश में हमारा बच्चे कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ इनोवेट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। बाकी बचे शिक्षकों को दूसरे चरण में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें देश के 42 लाख से ज्यादा अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अध्यापकों, प्राथमिक स्कूलों के मुख्य अध्यापकों तथा राज्य शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोने की रिपोर्ट। त्योहारों के सीजन में भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है स्वर्ण समृद्धि योजना। 10 सितंबर से 14 सितंबर तक तो आज ही भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने, हीरे व चांदी के आभूषण और पाएं 2.5 लाख रुपए तक की ज्वेलरी। 2 विजेताओं के लिए दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 32 इंच की LED टीवी और 5 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेरों इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार सोलन। संपर्क करें 01792221404। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।